देखिए, राम मंदिर के विरोध में जो भी लोग बोलते हैं उनको होना यह चाहिए कि भगवान राम परम शक्तिशाली परमात्मा हैं और उनके विरोध में इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। और जैसा कि श्री आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है कि वो जब वहां पर उनके साथ में थे तो इस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था कि यदि हमारी सरकार आई तो हम एक महान शक्ति का बनाएंगे जिसे जो राम मंदिर का आदेश हुआ है निर्माण का उसको हम पलट देंगे और ऐसे पलट देंगे और फिर इसके बाद में वो यह मंदिर नहीं रह जाएगा और उसका जो आदेश है वो सब निरस्त हो जाएगा, ऐसा प्रमोद कृष्णन जी कह रहे हैं। लेकिन ये मैं बता देता हूं, जो भी अब कोई भी है, जितने भी विरोधी हैं राम मंदिर से संबंधित, वह समझ लें कि ये सनातन धर्म का जो मूल है रामो विग्रहवान धर्म, वो परम शक्तिशाली हैं और जो विरोध में उठेगा वो विरोध के साथ साथ उसकी सत्ता अब कभी आने नहीं है। कांग्रेस सोच ले कि यदि ये भावना रख करके कि राम मंदिर के उस आदेश को हम परिवर्तन कर देंगे और ऐसा सोचना और सत्ता पाने की जो दृष्टि है वो सत्ता अब नहीं मिल सकती। सत्ता तो जिसके जो राम को मानता है और राम की कृपा जिसवर है उसकी वो सत्ता बनी हुई है, सत्ता बनी रहेगी और उनकी सत्ता इस तरह से राम के विरोधी में नहीं आ सकती। न सत्ता आएगी न वो परिवर्तन कर पाएंगे। इसलिए राम मंदिर की दृष्टि से, राम मंदिर की ओर जो भी कुदृष्टि से देखते हैं वह समझ लें कि वह कुदृष्टि उनके विनाश होगा, उनके सत्ता जाएगी। सत्ता यदि रही तो रही, अब सत्ता आने वाली नहीं है। राम विरोध के नाम से सत्ता उनको नहीं मिल सकती और नहीं राम मंदिर का जो आदेश है उसको ये शाहवानों के समान परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारे राम मंदिर बन जाने के बाद जो राम प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद जो हमारे सनातन धर्मी भक्तों ने जिस तरह से अयोध्या में आकर के और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, वो समस्त जितने हैं सनातन विरोधी उनको पता चला कि राम में ये सनातन धर्मी राम के भक्त में कितनी शक्ति है और कितनी क्षमता है, वो सबको मालूम हो गया है। अब वो चाहें कि हम सत्ता लें, वो सत्ता ही नहीं मिलेगी, चाहे जितना भी प्रयास करें और न राम भगवान के प्रति जो आदेश हुआ है न वो परिवर्तन कर पाएंगे। यदि सत्ता मिल भी गई तब भी वो परिवर्तन करने की क्षमता उनको नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे राम भक्तों में, हिंदू और जो हमारे यह सनातन धर्मियों में इतनी शक्ति आ गई है कि राम मंदिर के विरोध में राम मंदिर की ओर कुदृष्टि के देखने वाले की आंख फोड़ देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।